ओम शांति। आज 22 अप्रैल पूरे विश्व में वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस। पृथ्वी या धरती को माता कहा गया, यह हमारी पालना करती है, हमको हवा पानी भोजन सब देते हैं। इस समय हवाई यूनिवर्सिटी के अनुसार 87 लाख स्पीसीज है इस पृथ्वी के ऊपर, और केवल मनुष्य ही नहीं है, सभी इन स्पीसीज का जीवन खतरे में है, क्योंकि इस समय पृथ्वी का तापमान काफी बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो हमको अपनी धरती को बचाना है, इसको पोल्यूशन से फ्री करना है। ब्रह्मा कुमारी का एक फेमस स्लोगन है, इट इज द मेंटल पोल्यूशन विच लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पहला प्रदूषण मन में आता है। तो आइए आज विश्व पृथ्वी दिवस पर अपने मन के अंदर के प्रदूषण को निकाल सकते हैं हम, और उसके लिए चेष्टा करें, कोशिश करें। क्या कर सकते हैं? पहला 3 R को इस्तेमाल करें, रिड्यूस रियूज एंड रिसाइकल। तो कुछ चीजों को हमको रिड्यूस करना है, कम करना है, कुछ चीजों को रियूज करना है, कुछ चीजों को रिसाइकल करना है। रिड्यूस क्या करना है? तो जो भी इस पृथ्वी के ऊपर के संसाधन है, जो सीमित मात्रा में है, उनको कम से कम इस्तेमाल करना है। हम सबको पता है तेल है, पेट्रोल है, डीजल है या कोयला है, ये सब समाप्त होने वाले हैं, तो हमको इनका कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि इनसे भी बहुत सारा पोल्यूशन होता है। रीयूज करना है हमको बहुत सारी चीजों को, हमको डिस्पोजेबल चीजों को इस्तेमाल नहीं करना है, रीयूजेबल आइटम्स को इस्तेमाल करना है और रिसाइकल करना है। जैसे पानी को रिसाइकल कर सकते हैं, जो हम कपड़े धोते हैं या भोजन में पानी इस्तेमाल करते हैं, उसको रिसाइकल करके हम पेड़ पौधों को डाल सकते हैं। एक कंपनी में अगर 7,000 एम्प्लॉयज है, तो उसका पूरा साल का जो पेपर वेस्ट है, वो अगर हम रिसाइकल करते हैं, तो 400 कार जो रास्ते पर चल रही है, उनका हम लोड को कम कर सकते हैं। और हमारे घर में जो कचरा बनता है, उसका बहुत अच्छा कंपोस्ट बन सकता है, खाद बन सकता है, फर्टिलाइजर बन सकता है, उसको तो किसी ने ब्लैक गोल्ड कहा है, घर के कचरे को। दूसरा चीज हम जो कर सकते हैं घर में, वो माना पेड़। पेड़ जो है हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, पेड़ हमको भोजन भी देते हैं। अगर 150 करोड़ हेक्टर में अगर फॉरेस्ट पूरी पृथ्वी पर अगर हम लगाते हैं, तो पृथ्वी का टेम्परेचर 2050 तक हम 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम कर सकते हैं। एक छोटा सा पेड़ 5 किलो और बड़ा पेड़ 21 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है वातावरण से। दो एवरेज पेड़ अगर हम लगाते हैं, तो 117 किलो ऑक्सीजन मिलता है। इसलिए अगर एक घर में 4 लोग हैं, तो 2 पेड़ लगाए तो उनकी पूरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पूर्ण हो जाती है। भारत में तो ये परंपरा है कि पीपल और नीम के पेड़ लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। घर में भी अगर हम तुलसी का पौधा रखते हैं या मनी प्लांट रखते हैं, स्नेक प्लांट, ऐसे प्लांट है जो कि ऑक्सीजन देते हैं, तो हमारे घर में ऑक्सीजन की मात्रा हमारी पूरी हो जाएगी और बहुत सारे इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। एनर्जी जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्लीन एनर्जी इस्तेमाल करें, ना कि पोल्यूटेड एनर्जी। तो क्लीन एनर्जी क्या है, पोल्यूटेड क्या? अगर हम रेफ्रिजरेटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एसी है, उसको कम करके क्लीन एनर्जी है। तो बहुत सारी क्लीन एनर्जी हम यूज कर सकते हैं, जैसे सोलार है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, पानी से ऊर्जा उत्पन्न होती है, पवन चक्की, उसको हम इस्तेमाल करें। और हम देखें कि एनर्जी का ऑडिट हम कर सकते हैं क्या। एनर्जी का ऑडिट एक नया कंसेप्ट है हमारे घर में, कहाँ एनर्जी वेस्ट जा रही है। पहले हम जो बल्ब लगाते थे, उससे बहुत एनर्जी जाती थी, उसकी जगह पर हम CFL बल्ब लाए, उसके बाद अभी लेटेस्ट LED बल्ब, और हमको ये पता चला कि पहले वाले बल्ब 10,000 घंटा देते थे, तो आज LED बल्ब 25,000 घंटे हम ये देख रहे देते हैं, और घर में और रास्ते पर भी ये बल्ब लगाए जा रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक इस समय का सबसे बड़ा पॉइजन है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं रहता है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग 1 मिलियन माना 10 लाख प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स हर मिनट में लेते हैं, और अप टू 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग हर साल इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है, और ये फिर प्लास्टिक पृथ्वी में जाता है। तो हम रीयूजेबल बैग इस्तेमाल करें। जब भी हम सब्जी लेने को जाए या मार्केट में जाए, अपने पास कपड़े की थैली रखें, जिसको वापस धो के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रैवल करते समय हम कार कॉन्शियस हो,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल कर, रेलवे और बसेस, और अगर हमको जाना पड़ा तो पुलिंग करे कार, माना एक ही इलाके में जा रहे तो इलाके के सभी लोग कार को शेयर करे, इससे आपका पैसा भी बच सकता है और समय भी बच सकता है। जहां जरूरत हो वहां पैदल करे, नहीं तो बाईसाइकिल का इस्तेमाल करे, कार की सर्विस करे, हवा को कार की चेक करे, इससे भी बहुत सारे हम एनर्जी को बचा सकते हैं। पानी जो बहुत जरूरी है, इस समय पोल्यूटेड हो रहा है, बहुत सारा ऑयल समुन्द्र में जा रहा है और बहुत सारे केमिकल आए हुए हैं, तो हमने देखा कि अगर आपके घर में लीकेज है तो भी एक दिन भर में 340 लीटर पानी वेस्ट जाता है। बॉटल वाटर को इस्तेमाल नहीं करें, टैप वाटर को इस्तेमाल करें, शॉवर जहाँ पे बहुत पानी जाता है, शेविंग ब्रश करते समय अगर हम नल चालू रखते हैं तो वहां पर भी वाटर वेस्ट जाता है। तो आइए इन सब रिसोर्सेस को हम इंटेलिजेंटली यूज करें, इस पृथ्वी को हम फिर से हरा भरा बनाएं, हम सब मिलके इस पृथ्वी के लिए प्रकंपन दे, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे। जब मैं अंदर से शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तब मैं एनवायरमेंटल को शुद्ध और पवित्र रख सकता हूँ। तो राजयोग के अभ्यास से अपने मन को शुद्ध बनाए, क्योंकि मेंटल पोल्यूशन लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। जैसे मेरा यहाँ का पोल्यूशन कम होता है तो मैं एनवायरमेंट के बारे में सोचता हूँ। तो आइए केवल अपना ही नहीं लेकिन इस पृथ्वी पर रहने वाले हर जीव का जीवन सुखी बनाए, इस पृथ्वी को फिर से सतयुग बनाए, जहाँ पे बहुत अच्छे फल हो, हरियाली हो, ऑक्सीजन हो और वसंत ऋतु हमेशा आए, ऐसा कुछ करके दिखाए। तो इस विश्व पृथ्वी दिवस पर इस पृथ्वी का हम सम्मान करें, इसकी रक्षा करें और इसको पॉल्यूशन से बचाए, यही हमारा कर्तव्य है। आप सबको फिर से विश्व पृथ्वी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओम शांति।